हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को लीनियर रिग्रेशन जो टेक्निक है वो समझाने जा रही हूँ कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और किस तरीके से हम इसको मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मशीन लर्निंग का, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। और मैं इसमें आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको समझा रही हूँ कि लीनियर रिग्रेशन, देखिए आपने जो 9th 10th क्लास में एक लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, लाइन की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एम एक्स प्लस बी, ये जो होती है ये आपको याद है कि ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। और जिसमें देखिए जो ये m और b क्या होता है कि जो m है आपका वो इंटरसेप्ट होता है कि कहाँ पे ये जो है इसको एक्सिस को काट रही है, और जो m है इसका स्लोप होता है। देखिए जो b है वो इसका इंटरसेप्ट होता है, और लाइन का जो स्लोप है, मतलब स्लोप एक्चुअली एक तरीके से इसका एंगल डिफाइन करता है कि लाइन जो है एक्स वाई एक्सिस के जो है किस एंगल पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो एंगल है ये इसका स्लोप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एम जो है इसका स्लोप है, बी जो है इसका इंटरसेप्ट है, और आपके पास में एक लाइन की जो इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो देखिए इसमें क्या है कि एक्स आपका इनपुट है और वाई जो है आपका आउटपुट है। तो मशीन लर्निंग में जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें क्या करते हैं, हम कुछ ट्रेनिंग सेट देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि भाई आपके पास कुछ एक्स की वैल्यूज हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ वाई की वैल्यूज हैं, और उन एक्स और वाई की वैल्यूज को यूज करके आप स्लोप निकालते हैं और इंटरसेप्ट निकालते हैं। और मतलब मान लीजिए आपके पास जितनी भी अच्छी ज्यादा वैल्यूज होंगी, ज्यादा आपके पास वैल्यूज होगी तो उतना ही आप एग्जैक्टली आपकी जो लाइन है उसका स्लोप और उसमें जो एरर के चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। तो मतलब देखिए लीनियर रिग्रेशन, लीनियर का मतलब से ही आप समझ जाइए कि ये लाइन को, और रिग्रेस मतलब उसको बार बार रिपीट करके, कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट को ही आप स्ट्रेट लाइन में अगर ड्रॉ कर देते हैं, आपने जैसे मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस आपने ड्रॉ किए और आपके पास में एक्स वन और वाई वन की काफ़ी वैल्यूज दे रखी है, एक्स वन एक्स टू वाई टू एक्स एन वाई एन तक, ये कुछ आपके पास में ट्रेनिंग डेटा है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा। तो आप ट्रेनिंग डेटा के बेस पे आप स्लोप और इंटरसेप्ट डिफाइन कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके पास वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म में एम और बी की वैल्यू आपके पास आ जाती है। कि सपोज करिए कि वाई इज इक्वल टू 0.3x+9। तो अब देखिए आपके पास में जो ओल्ड टेस्ट डाटा होगा जिसमें आपको वाई की वैल्यू, मतलब आपके पास इनपुट इज गिवन और आपको आउटपुट निकालना है, तो आप इजिली उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास में ये एक इक्वेशन आ गई है लीनियर इक्वेशन की, अल्फा प्लस बीटा एक्स भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आपके पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है कि वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई सब्जेक्ट टू एक्स आई, ये मतलब जो है आपके पास में इसकी इक्वेशन आ गई है। और इस इक्वेशन में देखिए कुछ आप जो आप प्रेडिक्ट करेंगे जो वैल्यू, मे बी हो सकता है वो वैल्यू जो है आपने प्रेडिक्ट की, आपके पास में कोई एक्स आई इनपुट है, वाई आई हैट आपने एक वैल्यू क्लिक इंटीमेट की, मतलब प्रेडिक्ट की, उसमें कुछ रैंडम एरर हो सकती है, ये आपका मतलब फिक्स है एग्जैक्टली ऑन द लाइन, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आई आपने जो है लाइन से निकाला, लाइन से निकाला और ये कोई नॉर्मल जो है फॉलो कर रहा है, जैसे मतलब ये इसमें एक ये देखिए आपकी ये जो अल्फा बीटा इंटू एक्स आई, ये आपकी जो इक्वेशन ड्राइव हुई है, आपके पास इनिशियली ट्रेनिंग डेटा था उससे आपने अपने मॉडल को ट्रेंड करके आपने आपकी इक्वेशन निकाली अल्फा प्लस बीटा एक्स आई भी बोल सकते हैं उस इक्वेशन को, वाई इज इक्वल टू बी अल्फा प्लस बीटा एक्स, या फिर आप सिंपल फॉर्म में आपको क्योंकि लाइन की इक्वेशन आती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपके पास में m जो है लाइन का स्लोप है और c जो है इंटरसेप्ट है, तो आप अपनी लाइन की इक्वेशन y m और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, आपके पास में कुछ ट्रेनिंग डेटा है।
जब आपने वाई इसकी एम और एक्स सी की वैल्यूज आपने निकाल ली है तो आपके पास एक आपकी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन आ गई है। उसी इक्वेशन को यूज करके फिर आप टेस्ट डेटा पे वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपने जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कोई वैल्यू दे रखी है एक्स की, उसकी आपने वाई की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल ली, ड्राइव कर ली। उसमें फिर आप कुछ एक रैंडम एरर ऐड करते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वो एरर निकल के आती है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारी, क्योंकि जो हमारे लाइन होगी मतलब एग्जैक्टली जो हमारे आउटपुट्स होंगे वो एक लीनियर लाइन पे, मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि वो ऑलमोस्ट लाइन पे हैं बट वो एग्जैक्ट लाइन पे नहीं होंगे, तो इसीलिए एक रैंडम एरर उसमें ऐड की जाती है। ये देखिए स्कैटर प्लॉट्स हैं जो आपके रिलेशन कोरिलेशन इसको बोलते हैं, कोरिलेशन कोफिशियंट से हमें जो है एक तरीके से एग्जैक्टली जो आपका स्लोप है, स्लोप आपका बता देता है कि जो स्लोप के जो है वो ही कोरिलेशन वेरिएबल होता है, कोरिलेशन होता है वो आपके एक्स और वाई के बीच का जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे देखिए आप जो फर्स्ट देख रहे हैं उसमें क्या है, जैसे जैसे आपकी एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है आपकी वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मीन्स इन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है, एग्जैक्टली -1 का एग्जैक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। और देखिए इसमें जो है -0.6 है, नेक्स्ट वाले में नेगेटिव कोरिलेशन है बट -0.6 है, मीन्स नेगेटिव तो है बट एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है क्योंकि आपकी जो मतलब एक्स की वैल्यू जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू डिक्रीज तो हो रही है बट जो है उस लेवल से उसी सेम रेशियो में डिक्रीज नहीं हो रही है, वो 0.6 के रेशियो में डिक्रीज हो रही है। और देखिए जो नीचे ये दे रखी है जिसमें आर इज इक्वल टू +1 है, तो इट मीन्स क्या है कि आपका एग्जैक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका स्लोप की वैल्यू जो है एम की वैल्यू इसमें 1 है, मीन्स जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं सेम रेशियो में आपकी वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जैसे देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रही है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, आप एक्स की जो एक्स जो है आपका इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि वाई की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि एक्स से आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। तो इस लास्ट वाले में क्योंकि स्ट्रेट लाइन है कोई कोरिलेशन नहीं है, जो आपका ये जो डेटा है डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स पर डिपेंड ही नहीं करता, एक्स की वैल्यू आप चाहे इंक्रीज करिए चाहे डिक्रीज करिए वाई की वैल्यू इसमें कॉन्स्टेंट है। तो थैंक्स फ्रेंड, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ व्यूज़ हो आपके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स।